एक बात बताओ, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते? पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है। और अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो प्रॉमिस करो कि तुम मन लगा कर पढ़ोगे। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो खेलना है। मैं जा रहा हूँ। अंजलिना को बुलाओ। जी। एंजलिना, एंजलिना कहाँ हो तुम? एंजलिना कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे आपको क्वीन ने बुलाया है। जी क्वीन, आपने हमें याद किया। परोम ने हमें बताया कि कल हमारे मना करने के बावजूद भी तुम उड़ती हुई इंसानों की धरती पर गई। क्षमा कीजिए क्वीन, इंसानों के बारे में इतना सुना कि अपने आप को रोक ही नहीं पाई। इसलिए हम तुम्हें सजा सुनाते हैं, और सजा ये है कि पूरे एक वर्ष तक एंजेलिना को धरती पर रहना होगा। और तुम्हारी सजा ये है, जिस बच्चे की तुमने मदद की थी तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। क्षमा कीजिए क्वीन। और परोम धरती पे तुम्हारे साथ जाएगा, परंतु तुम्हें नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम किसी मुश्किल में होती हो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब तुम जा सकती हो। परों, तुम बहुत गंदे हो। तुम्हें मेरी शिकायत करने की क्या जरूरत थी? अब महारानी की देखभाल कौन करेगा? मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे क्रिस्टल प्लैनेट से दूर ले जाना चाहते हो, इसीलिए तुमने मेरी शिकायत की। अब धरती आ गई, अब मैं गायब हो रहा हूँ। अब मैं तुम्हें तभी दिखूंगा जब तुम संकट में होगी। परोम, 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 परोम। टिंग टांग, टिंग टिंग टांग, टिंग टांग, टिंग टिंग टांग, टिंग टांग, टिंग टिंग टांग, टिंग टांग, टिंग टिंग टांग। अरे देखो वो क्या है? अरे ये तो एंजल है। बच्चों इधर आओ। अरे ये फिर यहाँ आ गई। आरव तुम वहाँ क्यों रुक गए? इधर आओ ना। पता नहीं क्यों आ गई है। अरे आरव ये तो मैं जानती है। हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तुम सब भी मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम हमें आकाश की सैर कराओगी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें आकाश की सैर भी कराऊंगी, फिर तो मेरे दोस्त बनोगे ना। हाँ। तो चलो अपनी आंखें बंद करो। Wow.